बहुत समय पहले जब अघोरियों ने ये प्रण किया कि भोलेनाथ का डंका तीनों लोकों में बजना चाहिए, तो अघोरियों ने अमावस की काली रात ठीक 12 बजे शमशान घाट में कड़े हुए मुर्दों के बीच, जहां बहुत सारे शैतान, भूत, पिशाच, विषैले जीव जंतुओं का समूह चारों तरफ फैला था, उस सन्नाटे भरी रात में अघोरियों ने भोलेनाथ की भस्म लगाकर शिव तांडव प्रारंभ किया, तो सभी त्राहिमान त्राहिमान करने लगे। तब तीनों लोकों में गूंज उठी महाकाल की भयंकर गूंज। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। कृपया हमारे डीजे की गाड़ी से उचित दूरी बना लें, क्योंकि महाकाल के भक्त अपनी उड़ान भरने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भोलेनाथ की भांग और महाकाल की चिलम में डूबा हुआ महाकाल का भक्त तुम्हें अपने आगोश में ले ले और तुम्हें अनायास अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े। हम है तांडव हाईटेक डीजे, शमशाबाद चट्टी करहा मऊ वाले लोग हमें प्यार से तांडव हाईटेक डीजे कहते हैं। करहा मऊ वाले हेम भगभुगे भगनी भागोदरी भगमा से ओम फट स्वाहा। यदि भूत प्रेत या किसी कातिल चुड़ैल का साया हो, तुझे मरने का डर और जीने का मोह माया हो, तो तू उठा चिलम और दो कस लगा, पूरी ताकत के साथ बोल जय महाकाल, जय महाकाल। हम है तांडव हाईटेक डीजे, शमशाबाद चट्टी करहा मऊ वाले लोग हमें प्यार से तांडव हाईटेक डीजे कहते हैं। करहा मऊ वाले डीजे, शमशाबाद चट्टी करहा मऊ वाले लोग हमें प्यार से तांडव हाईटेक डीजे कहते हैं। करहा मऊ वाले जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल।